सो गाइज फाइनली अपने इंडिया सर्वर के अंदर टॉपिकल पैलेट M1887 गणेश की रिटर्न आने वाली है, जिसकी 100% कंफर्म रिटर्न डेट निकल के आ चुकी है, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। मुझे पता है आप में से बहुत बंदे हैं टॉपिकल पैलेट M1887 को निकालने के लिए एक्साइटेड हैं, तो बहुत बंदे जानना चाहते हैं उसकी कन्फर्म रिटर्न डेट क्या होगी, वो किस टाइप के इवेंट में रिटर्न आएगी और उसको निकालने में टोटल कितने डायमंड खर्च होंगे। तो टेंशन मत लो गाइज, आपका टेक्नो भाई आपको बता देगा कि टॉपिकल पैलेट कब आएगी, किस टाइप के इवेंट में आएगी और टोटल आपका कितने डायमंड खर्च होंगे उसको निकालने में। एंड इसी के साथ में गाइज बात करेंगे अपने बर्मुडा ड्रीम इवेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है यार, कल अपने इंडिया सर्वर के अंदर बर्मुडा ड्रीम इवेंट स्टार्ट हो गया था, तो उसके अंदर आपको काफी सारे फ्री के रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जैसे कि बंडल वगैरह। तो वो सब आपको फ्री में कैसे मिलेंगे, आपको क्या करना होगा उसके बारे में बताने वाला हूं। एंड इसी के अलावा गाइस बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीपन रोल के बारे में, और सबसे बड़ी बात गाइस अपनी पोकर MP40 भी रिटर्न आने वाली है, तो उसकी भी गाइस यहां पे लीक्स निकल के आ रही है, उसकी कंफर्म डेट वगैरह क्या होगी, वो किस टाइप के इवेंट में रिटर्न आएंगी उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखना, और हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस अपनी नेक्स्ट ईवीओ गन ईवीओ थॉमसन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत बंदे ईवीओ थॉमसन को लेकर एक्साइटेड है, उसकी कंफर्म डेट वगैरह जानना चाहते हैं। तो भाई देखो, फ्री फायर के ऑफिशियल मॉडरेटर बता रहे हैं कि 4 फरवरी को अपने इंडिया सर्वर के अंदर ईवीओ थॉमसन आ जाएगी, लेकिन गाइस मैं तो आपसे कहूंगा कि आपको फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर ईवीओ थॉमसन देखने को मिलेगी, क्योंकि इन फ्री फायर को कुछ नहीं पता, ये ईवीओ थॉमसन को एक दो दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, फर्स्ट वीक मतलब फरवरी का फर्स्ट वीक के अंदर अंदर किसी भी डेट को अपने इंडिया सर्वे के अंदर ईवीओ थॉमसन आ जाएगी। आप आराम से अपने 1100 डायमंड खर्च करके ईवीओ थॉमसन को निकाल सकते हो। तो बताना गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में कौन कौन बंदा ईवीओ थॉमसन को निकालने वाला है। और गाइस ईवीओ थॉमसन के फेयर व्हील इवेंट आने से कुछ दिन पहले हमें ईवीओ थॉमसन का टॉप अप इवेंट भी देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है 30 जनवरी को ही हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, आप लोग टॉप अप इवेंट देख सकते हो, इसके अंदर आपको 100 डायमंड के टॉप अप पे सफर बोर्ड की स्किन और 300 डायमंड के टॉप अप पे ग्लूअल की स्किन देखने को मिल सकती है, या आइटम यहाँ पे चेंज भी हो सकते हैं, सफर बोर्ड की जगह लूट बॉक्स भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि जब ये ईवीओ थॉमसन का फेयर व्हील इवेंट आएगा तो इसके कुछ दिन पहले हमें ईवीओ थॉमसन का टॉप अप इवेंट देखने को मिलेगा। और गाइस 1 फरवरी को अपने इंडिया सर्वर का जो मैजिक क्यूब स्टोर सेक्शन है वो अपडेट होने वाला है, उसके अंदर कुछ नए नए बंडल ऐड होने वाले हैं। देखो भाई, नए नए बंडल तो ऐड नहीं होने वाले, 1-2 बंडल ऐड होंगे, नहीं तो बाकी वही पुराने उठ के वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो बंडल गाइस आप लोग देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, नाइट सिलेट टेडी बंडल, फुल लेदर बंडल, हॉट ऑफ आयरन बंडल, नर्वस ऑफ स्टील बंडल, तो ये कुछ पुराने दुराने बंडल्स हैं एंड 1-2 नए बंडल ऐड होंगे। मतलब समझ सकते हो गाइस, आप ये मैजिक क्यूब में पुराने बंडल्स को लाते हैं, फिर उनको निकालते हैं, फिर लाते हैं, फिर निकालते हैं, तो ऐसा कुछ सीन है, 1-2 बंडल ये नए ऐड कर देते हैं। तो ये अपना मैजिक क्यूब स्टोर सेक्शन में नए बंडल्स ऐड होने वाले हैं 1 फरवरी को। ठीक है, एंड गाइस फिलहाल जो अपने इंडिया सर्वे के अंदर वीपन रॉयल चल रहा है, जिसमें M24 की स्टील काउबॉय वाली गन स्किन है, ये 6 दिन में एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद गाइस हमें एक न्यू वीपन स्किन देखने को मिलेगी वीपन रॉयल के अंदर, जो कि अपनी पैराफॉल की होने वाली है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, सिकली स्वीट इसका नाम है, और इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इसमें डबल मैगजीन हो चुकी है, सिंगल पेंट्रेशन बढ़ चुका है, सिंगल लोड स्पीड कम हो चुकी है। तो ये अपने इंडिया सर्वर और बांग्लादेश सर्वर के लिए सेम नेक्स्ट वीपन रॉयल निकल के आ रहा है। तो ये पैराफॉल की स्किन तो यार मुझे बढ़िया लग रही है, क्योंकि यार ये वैलेंटाइन इवेंट पे बेस्ड होगी, और वैलेंटाइन इवेंट भी गाइस अपने इंडिया सर्वर के अंदर जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जैसे बर्मुडा ड्रीम इवेंट खत्म होगा उसी के तुरंत बाद ही गाइस वैलेंटाइन इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो वैलेंटाइन इवेंट का जो भी रिवॉर्ड है वो भी मेरे पास निकल के आ चुका है, चलो आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले गाइस अपना फीमेल का बंडल निकल के आ रहा है वैलेंटाइन इवेंट का, ये बंडल यार मुझे बढ़िया लग रहा है, और सेकंड नंबर पे गाइस मेल का बंडल है, मेल का बंडल मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। थर्ड नंबर पे गाइस यहां पे एक और फीमेल का बंडल है, जो कि हो सकता है गाइस आपको फ्री में मिले वैलेंटाइन इवेंट पे कुछ मिशन वगैरह कंप्लीट करने पे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये विज इवेंट में डाल दें, पता नहीं है कुछ इन फ्री फॉलो की, देखते हैं क्या करते हैं इसके साथ। एंड इसी के बाद में गाइस इमोट निकल के आ रहे हैं अपने वैलेंटाइन इवेंट के, जैसे कि हर बार होता है, एवरी वैलेंटाइन पे गाइस कोई ना कोई इमोट तो निकल के आता ही है, तो ये नया इमोट निकल के आएगा इस अपने वैलेंटाइन का, जिसका नाम है बी माई वैलेंटाइन, अच्छा लग रहा है भाई मुझे तो इमोट। एंड इसी के बाद में गाइस दी इन्फ्लुएंसर एक और इमोट होने वाला है भाई, यहाँ पे तो आपका कैरेक्टर रील क्रिएट कर रहा है, चलो ठीक है गाइज ये इमोट भी बढ़िया लगा। एंड उसी के बाद में गाइज ये प्लाज्मा की गन स्किन है, ये तो गाइज आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। एंड उसी के बाद में गाइज अपने यहाँ पे एक और गन स्किन है, जो कि है पैराफॉल की, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी, ये अपने नेक्स्ट वीपन रॉयल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ग्रोजा की स्किन है गाइज, हो सकता है ये आपको विस इवेंट के अंदर देखने को मिले इन बंडल्स के साथ में। एंड उसी के बाद में गाइज यहाँ पे कटाना की स्किन होने वाली है, कटाना की स्किन तो गाइज आपको फ्री में नहीं मिलने वाली है, ठीक है, ये भी गाइज आपको उन सभी बाकी आइटम्स के साथ देखने को मिलेगी। एंड एक यहाँ पे गाइज ग्लूअल की स्किन भी निकल के आ रही है, तो ग्लूअल की स्किन भी गाइज आपको वैलेंटाइन विस इवेंट के अंदर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ऑल टोटल आइटम होने वाले हैं गाइस वैलेंटाइन इवेंट के, जो कि मैंने आपको दिखा दिए, आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आपको वैलेंटाइन इवेंट के आइटम कैसे लगे। तो गाइस कल अपने इंडिया सर्वर के अंदर बर्मुडा ड्रीम इवेंट स्टार्ट हो गया था, जहां पे आपको काफी अच्छे अच्छे फ्री के रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, चलिए आपको बताता हूं आपको यहां पे क्या रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं फ्री में और वो कैसे मिलेंगे।
फर्स्ट नंबर पे तो गैस अपना ये फीमेल का बंडल दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आपको बताता हूँ ये कैसे मिलेगा, लेकिन उससे पहले गैस आपको लॉगिन रिवॉर्ड भी दिए जा रहे हैं। जैसे आप गैस यहाँ पे 3 फरवरी को लॉगिन करते हो तो गैस आपको फ्री में इंक्यूबेटर वाउचर मिल जाएगा। नीचे टास्क वाला सेक्शन दिया गया है, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वाउचर को क्लेम करने का, मेरा मतलब जो टोकन वगैरह है इनको क्लेम करने के लिए मिशन मिल जाएंगे। जैसे कि 300 डैमेज देना है, 3 मैच खेलना है, 45 मिनट खेलना है, 5 एनिमीज को फाड़ना है, ठीक है। तो ये गाइज आपको टोकन मिलेंगे और इन टोकन का इस्तेमाल करके गाइज आप यहाँ पे गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। जैसे कि एक नीचे घंटी दी गई ना, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है आइटम आ जाएंगे, मतलब फूड वगैरह, और जो साइड में प्रोसेसिंग दी गई है छोटी सी ऊपर बढ़ जाएगी, और जो नीचे यहाँ पे साइड में प्रोसेसिंग दी जा रही है इसमें गाइज अपना फीमेल का बंडल है, तो जो कि आपको पार्ट्स कर करके मिलेगा, ठीक है, पार्ट्स में मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे गेस्ट को सर्व करते जाओगे ये साइड वाली प्रोसेसिंग बढ़ती जाएगी एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये फीमेल का बंडल पार्ट्स में मिलेगा। एंड जैसे आप यहाँ पे अच्छी तरीके से पूरे गेस्ट को सर्व कर देते हो तो पूरा का पूरा फीमेल का बंडल आपको मिल जाएगा। और लास्ट में गाइस क्रेट दी जा रही है जिसके अंदर हो सकता है आपको कोई टोकन वगैरह मिल जाए ज़्यादा एक साथ, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे लेट स्प्रे वाले ऑप्शन में जो है और भी आइटम है, जैसे कि ट्री हो गया, जैसे कि आप लॉबी वगैरह में इसको खड़ा कर सकते हैं, और फ्री के रिवॉर्ड डायमंड टूल वाउचर गोल्ड कॉइन वगैरह वो ले सकते हैं। तो गाइज ये हैं अपने फ्री के रिवॉर्ड जो कि बर्नर ड्रीम इवेंट के अंदर दिए जा रहे हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कैसे आपको यहाँ पे मिशन को कंप्लीट करना है और कैसे आपको फ्री के रिवॉर्ड्स क्लेम करने हैं, ठीक है। एंड चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं अपनी पोकर MP40 रिटर्न के बारे में, क्योंकि यार आप में से बहुत बंदे पोकर MP40 के लिए भी मुझे कमेंट कर रहे थे, तो सोचा कि यार चलो इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर देता हूँ पोकर MP40 रिटर्न आएगी या नहीं, और अगर रिटर्न आएगी भी तो कब रिटर्न आएगी, ठीक है। तो गाइज मैंने फ्री फायर के ऑफिशियल मॉडरेटर से बात की थी पोकर MP40 रिटर्न के बारे में, वो बता रहे थे कि यार पोकर MP40 रिटर्न के रिगार्डिंग तो अभी कोई लीक नहीं निकल आ रही है, लेकिन 1-1.5 महीने बाद पोकर MP40 के रिगार्डिंग हमें कोई गुड न्यूज देखने को मिलेगी। और बताया जा रहा है कि अगर पोकर MP40 रिटर्न आएगी तो उसके साथ में हमें UMP का इंक्यूबेटर और जो MP5 का लावा वाला इंक्यूबेटर था उनमें से एक एक दो दो गन स्किन हमें एक रेटअप टाइप के इवेंट के अंदर रिटर्न देखने को मिलने वाली है। कुछ अभी ऐसी लीक निकल के आ रही है लेकिन कन्फर्म डेट वगैरह नहीं निकल के आई है, जैसे कोई और लीक निकल के आएगी पोकर MP40 के रिगार्डिंग वो मैं आपको आने वाली वीडियोज में बता दूंगा। और चलिए गाइस बात कर लेते अपने टॉपिक पर M1887 रिटर्न के बारे में। तो गाइस देखो फ्री फायर के कुछ सर्वर के अंदर जो है टॉपिकल पर M1887 गन स्किन रिटर्न आई थी और वो चली भी गई, किसी किसी सर्वर में मोको स्टोर इवेंट में डाली गई थी, कहीं पे फेरेडवीर इवेंट के अंदर डाली गई थी, और कहीं पे किसी विश इवेंट के अंदर डाली गई थी। और अभी गाइज मैंने चेक किया कुछ सर्वर को खोल के, तो किसी किसी सर्वर के अंदर गाइज जो पुरानी अपनी रेयर M1887 की गन स्किन है, जैसे कि इमराल्ड पावर M1887, गोल्डन क्लियर वगैरह, तो ये रिटर्न आई हुई है, जिनसे कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो M1887 की एक नई स्किन आने वाली है फ्रीजिंग फ्लेम, जिसके लिए फ्री फायर वाले ओल्ड रेयर M1887 गन स्किन को रिटर्न ला रहे हैं। और सेम गाइज अपने इंडिया सर्वर के लिए भी यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है कि जो न्यू M1887 की स्किन है फ्रीजिंग फ्लेम, उसके आने से पहले अपने इंडिया सर्वर के अंदर टॉपिकल पैरेट M1887 को एक बार रिटर्न में फिर से डाला जाएगा, क्योंकि अपने इंडिया सर्वर के अंदर गाइस टॉपिकल पैरेट M1887 की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो बहुत ही जल्द गाइस हमें टॉपिकल पैरेट M1887 रिटर्न देखने को मिलेगी, और ये अच्छे खासे गाइस विश इवेंट के अंदर देखने को मिलेगी, जहां पे कम से कम 1500 से 1000 डायमंड तो आपके खर्च होंगे ही। और बात की जाए इसकी कंफर्म डेट की, तो गाइस इसके लिए ना आपको कम से कम 20 से 25 दिन वेट करना पड़ेगा। अगर मेरी माने तो गाइस 25 फरवरी से पहले पहले अपने इंडिया सर्वर के अंदर टॉपिकल पैरेट M1887 गन स्किन रिटर्न आ जाएगी किसी विश इवेंट के अंदर। बाकी देखते हैं गाइस ये फ्री फायर वाले क्या करते हैं टॉपिकल पैरेट M1887 के साथ में। फिलहाल जो लीक्स निकल के आ रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतने ही, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।